फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने फिर से तपन दादा का घर चले आए और तपन दादा का कोगाटेल सेटअप में आए हैं और तपन दादा ने गर्माहट का समय कोगाटेल का ब्रीड नहीं लेते और अल्टीमेट कोगाटेल का ब्रीड अच्छा होता है गर्माहट का सीजन में, तो तपन दादा का सेटअप थोड़ी गर्माहट बहुत ज्यादा होता है और इसलिए तपन दादा ने गर्माहट का टाइम ब्रीड नहीं लेते, तो ठंड का टाइम ब्रीडिंग तपन दादा लेते। एक्चुअली ठंड का टाइम कोगाटेल बर्ड्स का बहुत ज्यादा चिक्स मर जाते हैं, तो तपन दादा ने किस तरह वो बर्ड्स को ब्रीडिंग ब्रीड करा के अंडे बच्चे ले रहा है वही सब इस वीडियो में दिखाएंगे। तो ज्यादातर के लोगों का घर में ठंड का समय कोगाटेल बर्ड्स का चिक्स मर जाते हैं, तो तपन दादा को पूछ लेंगे कैसे तपन दादा का सेटअप में कोगाटेल चिक्स निकल रहा है वही सब इस वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, ये वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखते रहना। और इमरान भाई मेरा साथ में आए हैं, हम दोनों मिलके तपन दादा को क्वेश्चन करेंगे तो जान लेंगे जितना सारे व्यूजर जितना सारे सब्सक्राइबर लोग है जिसके पास कोगाटेल का सेटअप है कोगाटेल का ब्रीडिंग बड़ा फार्म है, तो उन लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाएगा ठंड का टाइम ब्रीडिंग लेने में, तो थोड़ी नॉलेज भी उन लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए एक बार तपन दादा का जो कोगाटेल बर्ड्स का सेटअप में प्रोग्रेस कैसा हुआ पहले दिखाते हैं। तो तपन दादा ने केज का अंदर से मटकिया को बाहर कर रहा है, तो इधर देख लेंगे। एक दो तीन चिक्स है और काफी बड़ा हो चुके हैं, तो चलिए दूसरा मटकियों को खुल कर दिखाता हूँ और दूसरा केज में देखते हैं मटकिया को खुल कर दिखाता हूँ कितना चिक्स हुआ है। ये मटकिया का अंदर तीनों चिक्स है, ये भी काफी बड़ा हो चुका है, एक दो तीन ब्लैक कोगाटेल निकला है। तो चलिए और एक मटकिया खुल कर दिखाता हूँ और इस केज का अंदर तीनों चिक्स काफी बड़ा हो चुका है और तपन दादा ने मटकिया खुल के रखे और मटकिया का अंदर से चिक्स को बाहर कर दिया है केज का अंदर। देख रहे हो फ्रेंड्स चिक्स दोनों चिक्स नीचे में है और एक चिक्स काफी बड़ा हो चुका है और लकड़िया का ऊपर बैठा है और पास में मेल कोगाटेल भी है और पाल कोगाटेल फीमेल दिखाई दे रहा है उस जाली में है। तो इस केज का अंदर तीनों चिक्स दिखाई दे रहा है। और इधर एक दो तीन चिक्स है और शायद एक अंडे भी है और चिक्स काफी छोटा है। और फ्रेंड्स एक केज का अंदर दो चिक्स नीचे में है देख सकते हो और शायद मटिया का अंदर और एक चिक्स है, तो काफी बड़ा हो चुका है और ये लोग शायद डर गया है। और उसका बाजू में और एक मटकिया का अंदर एक चिक्स दिखाई दे रहा है, एक ही चिक्स है और इसका मेल है पाइड में और फीमेल लुटिनो कोगाटेल का है। और फिर से ठंड का समय तपंदा का सेटअप में आके और कोगाटेल बर्ड्स का अच्छा अच्छा रिजल्ट देखने को मिल गया है, तो इधर कुछ बर्ड्स तपन दादा रखे हैं, शायद ये बर्ड्स को एडल कर रहा है उन्होंने। तो फ्रेंड्स इधर देख सकते हो एक मेल कोगाटेल है ब्लैक कलर का मेल और उसका फीमेल है पाल कोगाटेल का फीमेल है और इसका एक चीक्स है पाल कलर में आए हैं जाली में है आप देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स तपन दादा को पूछते हैं ठंड का टाइम कोगाटेल का ब्रीड कैसे लिया जाते है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मैं नाइट में शूट कर रहा हूँ और जितना बार तपन दादा का सेटअप में आता हूँ नाइट में ही आता हूँ क्योंकि तपन दादा का डे में टाइम नहीं मिलता है और हर टाइम पे मैं नाइट में आकर तपन दादा का सेटअप में शूट करता हूँ नाइट में। तो
तपन दा ये जो कॉकटेल का ब्रीड आप ठंड का टाइम ले रहे हो, कौन सा टाइम लेना सही होता है, गर्माहट का सीजन में या ठंड का समय में? हमारे घर गर्म समय प्रचुर हीट ठंडा समय। तो फ्रेंड्स उन्होंने बोल रहा है गर्माहट का टाइम ये जो सेटअप तपन दा का है वो बहुत हीट हो जाते हैं, तो ठीक सही तरीके से कॉकटेल ब्रीड नहीं कर पाते, तो इसलिए तपन दादा ने इन लोगों को ठंड का टाइम ब्रीडिंग ले लेते, और इसका वजह से तपन दादा का सेटअप में अच्छा खासा ठंड का टाइम में ब्रीड हो रहा है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं तपन दादा को। तो तपन दा ये जो वीडियो में दिखाया है अच्छा खासा प्रोग्रेस आपने दिखाया है, तो अब यूज किस तरह बार्ड्स को सीड मिक्स दिया जाते है, किस तरह देने से ठंड का टाइम में कॉकटेल बर्ड्स का अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, इसका रीजन क्या है? हमें सूर्यमुखी बेसी दी धान दीता है बेसी, पूरे ठंडा समय तो सूर्यमुखी धान कुसुम अल्प दिलाओ चलबे, कैनाडी है कैनाडी सीड दिले, और हमें वो छोला दी, छोला दी नाइट हो छोला, नाइट हो छोला। तो फ्रेंड्स उन्होंने बोल रहा है ठंड का टाइम एक कॉकटेल बर्ड्स का ब्रीडिंग लेने में आपको ज्यादा सनफ्लावर सीड छोड़ना होगा, और थोड़ी सी कुसुम सीड, कैनरी सीड, मिलेट और कुसुम सीड भी देना होगा, और उन्होंने नाइट में चना देते हैं, तो इस तरह उन्होंने मेंटेन देता है सीड मिक्स का, और शायद उन्होंने इस तरह सीड मिक्स का मेंटेन दे रहा है, इसलिए अच्छा खासा रिजल्ट उनको मिल जा रहा है। और तो बंदा यह जो ठंड का टाइम में आपका सेटअप में अच्छा खासा कॉकटेल बर्ड्स ब्रीड कर रहा है, तो इन लोगों को विटामिन कैल्शियम ठंड का टाइम में वीक में कितना बार देना जरूरी होता है, आप कितना बार देते हो? हमी सप्ताह एक बार कैल्शियम, एक दिन विटामिन दी। और विटामिन कौन सा? वाइसिलम, वाइसिलम। तो फ्रेंड्स उन्होंने वाइसिलम यूज करते है, देख सकते हो अच्छा खासा वेटरनरी विटामिन है, और ये मारने से बर्ड्स ब्रीडिंग मूड में आ जाते हैं, और जो रिकोविड है उससे भी कंपोजिशन पूरी हाई है, इसलिए तपन भाई ने वाइसिलम यूज करते हैं, और वाइसिलम यूज करने से अच्छा रिजल्ट तपन भाई को मिल गया है, वाइसिलम यूज करके अच्छा खासा रिजल्ट मिल गया है, तो आप लोग भी यूज कर सकते हो। और कैल्शियम में मिटल भी यूज करते हो? तो उन्होंने कैल्शियम मिकलबेट यूज करते हैं, और विटामिन थोड़ी चेंजेस लेकर आया है, वाइसिलम ठंड का टाइम में यूज करते हैं, अच्छा खासा बर्ड्स का बॉडी में कम करते हैं, और वीक में एक बार विटामिन एक बार कैल्शियम इस तरह उन्होंने मेंटेन देता है, इस तरह मेंटेन देने से अच्छा रिजल्ट तो उन दादा को मिल गया है, तो आप लोग भी दे सकते हो। और ठंड का टाइम में बर्ड्स को विटामिन कैल्शियम ज्यादा डालना पड़ता है, ज्यादा देना पड़ता है? तो फ्रेंड्स उन्होंने बोल रहा है ठंड का टाइम में विटामिन कैल्शियम बर्ड्स का ज्यादा जरूरत होता है, तो इसलिए बर्ड्स को विटामिन ज्यादा देना होगा, जावा स्पैरो, फिंच, कॉकटेल बर्ड, जितना सारे बर्ड्स है तो ठंड का टाइम में विटामिन ज्यादा देना पड़ता है, विटामिन कैल्शियम ज्यादा डालना होता है। तो दादा आपका सेटअप का अंदर ये ठंड का टाइम में बहुत ही गर्माहट है, हम लोगों को भी ऐसा फीलिंग्स हो रहा है जो ठंड का समय नहीं है अभी, तो कौन से टाइम में आप ये विंडोज बंद कर देते हो, मतलब दिन में कौन से टाइम में? दिन सकाल बेला 10:30 ओपन कर दो, ओपन कर दी, आवाज 5:30 बंद कर, क्लोज कर दो, बंद कर दो। तो फ्रेंड्स उन्होंने बोला है शाम का टाइम में 5 बजे के आसपास में उन्होंने विंडोज को क्लोज कर देते हैं, और सुबह में 9 बजे 10 बजे के आसपास में विंडोज को खोल देते हैं, और घर का अंदर का माहौल बहुत ही हॉट है, इसलिए शायद तपन दादा का सेटअप में कॉकटेल अच्छा खासा ब्रीड कर रहे, तो बहुत ही अच्छा लगा कॉकटेल बर्ड्स का सेटअप देख के, जो तपन दादा का घर में बहुत ही अच्छा ब्रीड कर रहा है, बहुत अच्छे 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 रिजल्ट देखने को मिल गया है।
और तपन दा एक ठंड का टाइम में इन लोगों को कौन सा वेजिटेबल दिया जाता है, कौन सा वेजिटेबल देने में अच्छा होता है? हमें भी आप जो देते हो, हमें भी बीनी कड़ाई और बड़बड़ी कड़ाई यारा जब दिले भले। तो फ्रेंड्स उन्होंने बोल रहा है ठंड का टाइम में उन्होंने वेजिटेबल यूज करते हैं, बीन्स कड़ाई और कलमी का पत्ते और बड़बड़ी का बड़बड़ी कड़ाई, ये सब उन्होंने हर रोज देता है। तो इस तरह आपका बंदा उन्हें मेंटेन देता है, तो इस तरह मेंटेन देकर बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल गया है। और तपंदा ठंड का समय बर्ड्स को ये जो कवर्डल बर्ड, लव बर्ड, सिंगेस, जावा स्पैरो, ये सारे बर्ड्स को विटामिन कैल्शियम कम देने से कोई प्रॉब्लम होगा? कैल्शियम देखिए सबसे कैल्शियम नापिए भले और कैल्शियम विटामिन दोबार सप्ताह दिले और विटामिन कैल्शियम कम दिले की प्रॉब्लमटा देखा जाए, पाए जोर कमे जाए ये सब देखा जाए। तो फ्रेंड्स इन्होंने बोल रहे हैं विटामिन कैल्शियम में, तो फ्रेंड्स उन्होंने बोल रहा है विटामिन कैल्शियम कम देने से बर्ड्स को थोड़ी प्रॉब्लम होता है और जो चिक्स मक्खी आपका अंदर से बाहर आते हैं उसका लेग्स में प्रॉब्लम हो जाते हैं, जो लेग्स में नर्व होता है नर्व प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो इसलिए कैल्शियम विटामिन ज़्यादा डालना पड़ता है। हफ्ते में दो तीन दिन विटामिन, दो दिन कैल्शियम ठंड का समय देना जरूरी है, ना देने से वो जो चिक्स ऊंचाई में आकर प्यार में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हो अभी बड़ा हो चुके हैं चिक्स, मटिया का अंदर से तपन दादा ने बाहर कर दिया है, केज का अंदर रख दिया है, तो इस तरह आपको मेंटेन लेना होगा, तो सारे कॉकटेल चिक्स बच जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा रखते हैं मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, और तपन दादा जो ये वीडियो में बताया है वीडियो देख के कुछ सीख भी पाया होगा। जो फ्रेंड्स नया नया कॉकटेल बर्ड्स सेटअप करना चाहते हैं, जिसका पास बहुत सारे कॉकटेल बर्ड्स का सेटअप है, उन लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाएगा ये वीडियो देख के। तो तपन दादा का बर्ड्स प्रोग्रेस, एक कॉकटेल बर्ड्स का प्रोग्रेस कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएगा, और चैनल पे नया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो मिलते हैं नया वीडियो नया टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।